एक कसीदा आज दे दिन दे हवाले नाल तुहाडी खिदमत च बिल्कुल नवा पेश करी। और एक सलवात अपनी इज्जत वास्ते सारे बाज़ हुंदे अच्छा जिन्होंने अपने यजीदी होने का अपने प्यो की पहचान करा के सबूत दिता पेशावर जितने शहदा जेडे यकीनन मालिक की बारकत जाके साइया का जश्न मनाते उस क्योंकि साडा अकीदा साडे मर्द नहीं साडे मुंतकिल होंदे ने मर्द उन्हां दा जिन्हां दे वारिस मौजूद ना हो जेडे चुप बैठे ने उन्हां नूं नाल मिला के जनाबे आलिया आलिमा गैर मुअल्लिमा अच्छा सिर्फ सिवाए बीबी दे किसी होर दा लकब है ही नहीं आलिमा गैर मुअल्लिमा बंदे चुप कर गए और डसावा बीबी नूं आलिमा गैर मुअल्लिमा क्यों कहा गया जनाबे फिजा पाक सलवातुल्लाह ने पूछा कि बीबी तुहानूं आलिमा गैर मुअल्लिमा क्यों कहा जाता है भी फरमाया चूंकि मैं अब्बास को जानती हूँ सरकार मुंतखब बंदे वास्ते गल की थी शेखपुरे की धरती से जिते साईं मंजूर साहब जैसी हस्ती बिस्मिल्लाह साहब किबला कंबर साहब जैसी हस्ती खुशकिस्मत लोग जो उन्होंने नाल रहे हैं और जिन्होंने उन्होंने सुन के हजे भी दाद नहीं दी तो फिर चलो मौला तुहानूं जाकर बनावे तो जेडे चुप बैठे हो एक साल तुहानूं अपने वर्गे मजमे च पढ़ना पवे लुत्फ फिर आना तुहानूं आखिरी मिनट तक जिन्हें चेहरे ते रौनक आई है मेहरबानी मालिक तुहानूं इस तरह करोड़ों खुशियां ता फरमाए चाची जी गल सुननी है अमीरुल मोमिनीन बादशाह हुजूर शेखुपुरे की धरती से एडी जाकरा की यूनिवर्सिटी के खलो के मैं कह मैं नवी गल कर रहा तो इतना वड्डा दावा से कोई कर नहीं सकता चलो मैं कर रहा तो इन्हों की वजह तो कर रहे हैं जे मातमी बैठे ने दुआ थोड़े को लवान भाजन इतने बैठे सन पता नहीं कितने चले गए जवार साहब चलो अमीरुल मोमिन बादशाह कुफे च आए कुफे च आके मेरे मौले ने खुतबे दिते तो जे बंदे सुनते हैं घर जाते हैं अपनी बीविया बेटिया या बहनों दस दिन असी मौला को सुनिया तो मस्तूरात ने कट्ठे होकर एक प्रोग्राम बनाया अमीरुल मोमिन बादशाह की बारगाह हाजिर होकर आके सरकार कोई अपने वर्गी आलमा मालिक तुहानूं सलामत रखे सानू अता फरमाओ फिर जीने ते वजहुल्ला नूं बुलाया गया भी पाक आए भी रजूल शाह जी अगे आ जाना मैं दूरों वेख लिया तुहानूं बादशाह गल सुनना जी अलामा साहब किबला तुहाडे नाल जवारी कीती जे अकीदा ही पढ़ना है कोई बोले भावें ना बोले गल सुननी जी भी फरमा रही है जिस वेले भी पाक आ गए उस इलाके दी मस्तूरात सारियां टुर के बीबी कोलों सबक लैण वास्ते आईयां उन्होंने पूछा जी सानू शोहरों ने आके ये भी दस्या है ये भी दस्या है ये भी दस्या है ये भी दस्या है बीबी आके परेशान क्यों होंदी हो मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए हैं मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए अगर बंदे पहुंचन तो इस गलत दाद दिन मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए हैं जात से रिश्ते बनाए हैं मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए आज मैं आपके लिए रुकूं मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए नूर लेकर हसनैन आए हैं अली की जात से रिश्ते बनाए हैं मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए हैं जैनब का नूर लेके बोलो जी हसनैन आए हैं औरतों के बीबी एक गल सुनीजिए सानू कोई ऐसी गल दसो जी असी उन्होंने जाके दसी है भी फरमाए परेशान ना हो जिन राजों से अली ने पर्दे हटाए हैं जिन राजों से अली ने पर्दे हटाए हैं हवा की रूह को मैंने पहले सुनाए
की जात से रिश्ते बनाए हैं। यकीनन यकीनन उन्होंने दर्जात की बुलंदी की मैं दुआ नहीं कर सकता जिहड़े मालिक की मुहब्बत दुनिया तो गए हो तो जिहड़े मालिक का जिक्र करते गए ने जिन्हां की कबर की मट्टी जुबान तो रख के बंदे इज्जतदार जाकर बन जाते हैं उन्होंने बुलंदी दर्जात वास्ते एक शेर पढ़ना चाह रहे हैं अपने भाई देर तमाम मातमियों के रिजक इज्जत वास्ते जितनी बेटियां ने इन्होंने नसीब नेक वास्ते भी फरमा रही तवज्जो भी फरमा रहे ने कौन जीने तवज्जुल्ला मैं इस्मुह बतूल का अब्बास पाल कर मैं थोड़े ते नाराज नहीं होया जिन्हें नहीं बोल सके गल पहली बारी सुनी हो तो बंदे परेशान होंगे ने मैं फिर आख रहा शेखपुरा की धरती से मैं एडा वड्डा दावा करके पा रहा थोड़ी दाद ना मिली तो मैं याद नहीं मदद जे न्याज न्यूज मेरा खाता उद्दे है ही नहीं न्याज वाला सिर्फ वह प्यार ही जीवे तो मैं आना तुम दाद दो कि मैं पढ़ागा शेर सुनना जे मुर्शद शेर सुनना जी भी फरमारी मैं इस्मुह बतूल का अब्बास पाल कर आजान में छुपी हूँ मैं अकबर संभाल कर मैंने जमीन पे खुल्द के मैंने जमीन पे खुल्द के वारिस बचाए हैं मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए हैं इमाम हुसैन तुहानू सलामत रखें जिंदाबाद रहो अच्छा जितने बंदे ने इंज करके हाथ खड़े किए कहीं दो कई ने एक कहीं ने खाली इंजन इंज इंज आने की गल नहीं कर रहा इंज तो इंज आने की मालिक ये जे हाथ बुलंद कर रहे गदीर के मैदान में याद करके मालिक इन्हों के हाथ बादशाह हुसैन के हरम तो मासूम जेडे चुप ने उन्होंने पहली दुआ वापस जाकर बनाए मौला शेर सुनना जे जेडे दूर खड़े या बाहर आवाज जा रही सही मेहरबानी अच्छा बाहर जितना मर्जी बंदे ने बुला ली अंदर वो पता नहीं लाइटा ही वेखते रहते हैं थोड़ी लाइटा घट लवा लिया करो अंदर वाले पास आ जाए आती कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी आँखों पे इख्तलाफ के ताले पड़े रहे और दरवाज़ा शहर इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जानबूझ कर बाहर खड़े मालिक थोड़े साए सलामत रखे बाबू मुझसे शेर सुनिएगा मालिक साढ़े मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और दहशतगर्द जिथे जिथे ने मालिक उन्होंने निस्त नबूत करे शोहदाए पिशावर उन्होंने तमाम घर वाले की सलामती वास्ते और हर मोमिन की जरा अलीन वलीला पढ़ता वो वास्ते शेर पढ़े हैं एक बंदा उसमें यार खैरात दे दे राजी हैं जी शेर सुनना जे जे खड़े या बैठे बीवी फरमा रही मैंने शिफा का खाक पे रोजा बना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफा तो बिला फजल मैं नहीं कहना मैं फलाने मुल्क जाके पढ़ना फिर मैनू दाद मिलनी मैनू शेखुपुरा लाहौर तो यकीन है कोई तो दौर आएगा जो सारे बंदे जाकर छड़ के जिक्र सुन गए शेर उस बंदे वास्ते पढ़े हैं जरा मालिक विलायत रखता अपने दिल च शेर सुनना भी फरमा रहे मैंने शिफा का खाक पे रोजा बना दिया मैंने खुदा के अर्श पे खैमा लगा दिया मेरे नबूवतों ने मुसल्ले बिछाए हैं मैंने अली की जात से रिश्ते बनाए हैं बाबू जी ए, सारे ने कमाल सुने जे मैं दो हत्थां नाल तुहानू सलाम करांगा इमाम अजमान तुहानू सलामत रखे चलो जिहदा मैं अकीदा अपने करीब तो जानना ना मैं उन्होंने बंदे नू करीब कर रहा तुहाडे ने जवारी की थी तुहानू तो सुनावा वाजिब है
शेर सुनना जे। मैं इस बंदे दे कोल लाजमी आके पुछना जी भजन अगर गल समझ नहीं आई सी तुसी जश्न च आए क्यों, घर बैठे रहिंदे जे चुप ही रहना सी, शेर सुनना जे। या अली शाबाश कामरान, कोई बात तैनू होर जगह तो चंगी दात मिल जाएगी, मुल्तान जाके पढ़ ली। शेर शेखुपुरे च पढ़ रहे हैं, गढ़ है जाकरी दा। मैं बार बार कह रहे हैं और बार बार इन लफ्जों में इस वास्ते दोहरा रहे हैं जिन्हें साईं मंजूर साहब ने सुने हुए, क्योंकि मेरी फेवरेट हस्ती हुई सन आशिक हुसैन बीए साहब कंबर साहब मौला उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, मेरी फेवरेट हस्ती सन जिन्होंने मैं फॉलो करना चाहता सी, वो साईं मंजूर साहब ने उन्होंने दर्जात की बुलंदी वास्ते, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी अकीदा पढ़िया जी। सिर चाणा कोई तो बोलने वाला हो सी जिन्होंने बोलना आंदा जशन च, भाई ओम जाफी साहब भी फरमारिन, बीवी फरमारिन जीनत वजहुल्ला, जीनत इज्जत तौहीद, बीवी फरमारी क्या फरमारिन। जिसमें खुदाए आल है मेरा हिजाब है, चलो थोड़ा फिर थोड़ा कहीं दिल हो तो फिर पूरा सुना देंगे। एक इमाम हुसैन बादशाह का सीधा सुनावा, एक मौला अब्बास बादशाह सुना के थोड़े को दुआ लवा। ये तो मुसाहिब वाला, अच्छा जी चले पढ़ दूंगा, पढ़ दूंगा जी। एक सलवात पढ़ दो सारे बाबा से बंदा के अजब आयात की रिमझिम ने दामन को फैलाया है, अजब आयात की रिमझिम ने दामन को फैलाया है, अजब आयात। सर बंदे लफ्जों तक पहुंचे तो मैं सलाम करूं, अजब आयात की रिमझिम ने दामन को फैलाया। सिर चला जरा किदा सुन सकते हैं, अजब आयात की रिमझिम ने दामन को फैलाया है, अभी शबीर ने ओ अभी शबीर नालन से पर्दा हटाया। यो अली 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 अली। इंतहाई शुक्रिया। अजब आयात की रिमझिम ने दामन को फैलाया है, हे दामन को फैलाया है। चाचा जी को काम याद आया, जा नहीं रहे हो, मैं पढ़े बंदे फिर उत्थे वेखी जांदे ने बगैर नसर दे। एक शेर पढ़ने, चलो तुहाडा टेस्ट लईए, ए सुन लो जी इहदी गल सुन लो, ए सुन लो सुनो इधर अगे होके कह लै यार, चलदे जशन च नहीं आईदा, चलो कोई तो बंदे समझणगे। शेर थोड़े वास्ते पढ़े, शिफा का दिल शगुफ्ता है अखुवत के समुंदर में, खुदाए कुल हो वल्ला है या खुद जहरा है चादर में, शिफा का दिल शगुफ्ता है अखुवत के समुंदर में, खुदाए कुल हो वल्ला है या खुद जहरा है चादर में, मुसल्ला अर्श का काबे ने धरती पर बिछाया है, मुसल्ला अर्श का काबे ने धरती पर बिछाया है, अभी सजदे की आंखों में है, ओ, 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 ओ अभी सजदे की आंखों में मेरा शब्बीर आया। मालिक सलामत रखे, जिंदाबाद रहो जी, इंतहाई शुक्रिया। अच्छा ठीक है, एक पढ़ देता हूँ, पढ़ पढ़ मालिक सलामत रखे, जिंदाबाद रहो जी, किबला दी आमद तक, किबला दी आन तक। एक शेर होर तुहानू सुनावा और एक कसीदा होर। या अली या अली, किबला साहब सईदां दी आमद ते मातमियां दी अज़दारां दी आमद ते अपने रिज़क इज़्ज़त वास्ते सारे एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो साईं दी जात जी। ठीक है सुना,
ईद मुबारक सर, बादशाह जी मुबारक जी, ईद मुबारक सारे जी, मालिक सलामत रखे। शेर एक तुहानू सुना रहे हैं, हजूर बैठ जाना जिते जगह मिले, शेर सुनना जी। करबला च दो हस्तियों का वाक्य पढ़ना चाह रहे हैं, बादशाह शेर सुनना जी। रुखे पुरसान की खातिर नमाज़े जान सारी है, चलो शब्बीर के पीछे यही तो ईद सारी है। रुखे पुरसान की मैं ही पढ़ता जे, नमाज़े जान सारी है, चलो शब्बीर के पीछे यही तो ईद सारी है। कहा ये जॉन ने हुर से खुदा ये वक्त लाया, कहा ये जॉन बात क्या सुनो, खुदा ये क्या लाया है उसे ये जिंदगी दे दे, हो उसे ये जिंदगी दे दे, हमें जिसने बनाया। ओके ठीक है, सारी सही पढ़ दी और राजी हो जाएगा मेरा, ठीक है। बिस्मिल्लाह बेटा बिस्मिल्लाह, माइक दहाई ना ठीक है। याली 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 दोनों ठीक है। एक दुआए सैयदा असी सुनी है सिर, मैं तुम्हें सुना रहा हूं सिर, तरह पिछला सुना भी तू अपने तो बेहतर ना बल्कि अपने सीनियर को और कम टाइम दे, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਵਰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਨਾਬੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਉਮਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੜਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੰਗੀਆਂ ਹਸਨੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਜੋ ਦੁਆਏ ਸਹੀਦਾ साकी ये गैबत ज़ैनबी आयत चौदह का दिल है तेरी विलायत, चौदह का दिल है तेरी विलायत, चौदह का दिल है तेरी विलायत। नादे अली की तू है इबादत, अली करेगा तेरी ज़ियारत। तू आसमां है मेरी दुआ को तेरी अमा है, हुसैन सजदे में जा रहा है, ऐसा तुम्हारा अलम है गाजी, हुसैन सजदे में जा रहा है। जिले सुभानी तेरी जवानी, खाके शिफा में तेरी कहानी, मेहरबानी मेहरबानी आज़मी पे ए रब्बे पानी। तुम्हारी दुआ कर रही है, राजी तुम्हारी दुआ कर रही हूँ, तो नूर काबे में जा रहा है, ऐसा
तुम्हारा अलम है गाजी। अकबर तुझे जल्दी जल्दी हो जा सजदा कर कोनो का करके दुआ गोदे जुल्फों से चेहरा छुपा झूला तेरा है मौजज़ा गाजी का नूर है आसरा हुस्न के किबरिया सो जा के मुस्तफा सो जा ओ हुस्न के किबरिया सो जा आलिया के मुस्तफा सो जा अली तेरी विलायत का मुल्क नजर आए अली तेरी विलायत का गए मुल्क नजर आए अली तेरी विलायत का गए मुल्क नजर आए मुन कर नजर आए खुदा को वो बशर काबे में भी काफिर नजर आए